हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इरेशनल नंबर्स होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो हमारा नंबर सिस्टम है, आप पहले नंबर सिस्टम को लो, जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम है उसमें कुछ नंबर्स रियल होते हैं और कुछ जो रियल नहीं होते। क्या आपको लगता होगा कि क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चों, रियल नंबर के अलावा भी नंबर होते हैं, बट हमारे 10th लेवल तक का जितना भी मैथमेटिक्स है वो सारा रियल नंबर पे बेस्ड है, तो हम सिर्फ रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में अब हमें क्या इंफॉर्मेशन है? हमने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें रियल नंबर्स के बारे में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे क्या था कि रियल नंबर्स जो है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसमें से रैशनल कौन से होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इरेशनल कौन से होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो हमें सिर्फ रैशनल के बारे में इतना ही पता है कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अब इसके अलावा क्या है, क्योंकि सिर्फ इतने से हमें क्लियर नहीं होता कि भाई जो पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिखे जाते, कैसे नंबर्स हैं वो, उनको क्यों नहीं लिख सकते हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, वही हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में जो है नहीं लिखा जा सकता नंबर्स को। ठीक है ना, यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें नहीं मिलेंगे। ओके, तो फिर कैसे मिलेंगे? देखो, इनकी क्या पहचान है? फर्स्ट तो क्या होगी कि ये अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन में है, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन में है, तो इनकी पहली जो पहचान है क्या होंगी कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जो सेकंड है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं करेंगे आफ्टर डेसिमल। अभी मैं आपको विद एग्जांपल सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले आप देखो, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, दूसरा क्या होगा कि जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो क्या कर रहे हैं कि टर्मिनेट तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, बट वो क्या है, वो नॉन रिपीट भी हैं। कैसे होंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, 3.253, ठीक है, अब कोई बोले 3333 अप टू इन्फिनिटी, हम ऐसे बोलेंगे, मैम देखो टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रही, तो क्या फिर ये जो है ये भी इरेशनल हो जाएगा? नहीं, टर्मिनेट होने के, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रही, बट रिपीट यहाँ पे हो रहा है, कौन सा डिजिट? 3 डिजिट हो रहा है, तो हम इसको 3.253 बार इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है हमने उस पर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला जो है, आपको पता है कि ये रैशनल नंबर होता है, हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारी 9th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज है, जो अभी हम 1.2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 1.3 एक्सरसाइज में जब आप इन सारे इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, जो आपके कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ओके, अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं, मतलब ये लिखे जाएंगे तो ये रैशनल हो गए। अब कौन से हैं? फिर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो वो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होंगे कि वो ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे लिख के दिखाती हूं, जैसे 2. यहां पे आ गया 10110110110110। अब देखो, ठीक है, यहां पे आपको mm 0 और 1 रिपीट हो रहा है, तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, हर बार डिजिट्स जो है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है, है ना। 1 आपका क्या हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज होता जा रहा है। एक जैसा तो यहाँ पे पैटर्न है ही नहीं कि एक सेम ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे अब मान लो कोई ऐसा भी है 3.243456 8 7, कुछ भी ऐसे आ रहे हैं कि हमें कोई पता ही नहीं चल रहा कि इस डिजिट के बाद क्या आएगा, क्योंकि ये रिपीट होते, मतलब रिपीट हो ही नहीं रहे हैं, ये नॉन कैसे हैं, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही क्या हो रहे हैं, ये रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में नॉन रिपीटिंग है, ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपको कोई भी नंबर होगा, ठीक है ना, तो जो मतलब जो जिसको हमें डेसिमल में अगर कोई भी नंबर हमें दे दिया सामने, ठीक है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये आपका इरेशनल है या रैशनल? तो उसकी पहचान तो है ये। इसके अलावा भी आपके जो हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, उनकी क्या पहचान है कि जितने भी स्क्वायर, देखो m, यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रूट, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपका m है ना, m यानी कि जो भी आप नंबर यहाँ पे लोगे, ठीक है, जो भी आप नंबर यहाँ पर लोगे वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। m इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, तो तब हम
ये जो स्क्वायर रूट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, कोई मुझे बोले रूट फोर, मैम आपने कहा था कि एक नंबर जिसका स्क्वायर रूट, मतलब कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा, तो मैंने बोला था कि m इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये वाली बात नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे m जो है, m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, आपका जो m है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिर कैसे होंगे, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 7, रूट 8 एंड सो ऑन, रूट 9 नहीं होगा, है ना। जैसे रूट 4 नहीं हुआ, रूट 9 नहीं होगा, रूट 1 भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, क्योंकि रूट 9 अगर आप लिखोगे उसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, एंड 3 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, 3 इज ए रैशनल नंबर। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट है, जिन भी नंबर्स का हम लेंगे, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अब बात यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम ये ओनली स्क्वायर रूट के बारे में बात हो रही है, क्या अगर क्यूब रूट हो, मान लो ऐसे कोई नंबर है तो क्यूब रूट हो, तो क्या अब यहां पे मान लो m की वैल्यू आप कुछ भी रखते हो तो फिर क्या वो रैशनल हो जाएगा। सेम यही बात इस पे भी अप्लाई होती है बच्चों, क्योंकि अगर यहां पर हम ऐसा नंबर लें, m हम ऐसा नंबर लें जो एक परफेक्ट क्यूब हो किसी का, तो वो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 8 ही ले लिया, ठीक है, मैंने 8 ले लिया यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी, है ना। 8 क्या होता है, 8 जो होता है 2 का क्यूब, अगर मैं 2 का क्यूब करूंगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया ना 2 का। तो m यहाँ पे क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। m ऐसा कोई नंबर लेंगे जो परफेक्ट क्यूब किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी, अब जैसे मैंने 8 की जगह मान लो मैंने 7 ले लिया, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई भी जो है, अब ये 7 का क्यूब रूट है, ये एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप नंबर लो, आप स्क्वायर रूट में लो, आप क्यूब रूट में लो, तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अगर क्यूब ले रहे हो, क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी ये, जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सारे ही इरेशनल हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो पहचान क्या होगी, कि वो नॉन टर्मिनेट करेगा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दूसरा वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो कि इस टाइप से अगर आपको दिया हो रूट एम, अगर स्क्वायर रूट में दिया है तो एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ऐसा स्क्वायर रूट दिया है तो पक्का वो कैसा मिलेगा, वो आपका जो है वो इरेशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली क्यूब रूट का भी केस आ जाता है, ओके, परफेक्ट क्यूब अगर नहीं होगा नंबर तो वो जो क्यूब रूट जिस भी आप नंबर का लोगे, जैसे अभी मैंने 7 का लिया, तो ये भी इरेशनल ही होंगे, ठीक। तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि ये इरेशनल नंबर्स होते तो रियल लाइन पे हैं, फिर हम इनको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। हम 2 को दिखा सकते हैं, 3 को भी दिखा सकते हैं, 0.5 दिखा सकते हैं, हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, बट हम इनको कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे वो देखते हैं। देखो बच्चों, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विद एग्जाम्पल, आपको मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 2 है, ठीक है, ये मुझे पता है रूट 2 इज़ ए इरेशनल नंबर, ओके। अब मुझे नंबर लाइन पे इसको दिखाना है, ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने 0 कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, पहले एक बार मैं एग्जांपल दे देती हूँ बच्चों, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने 1 यूनिट, जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है अपनी 1 यूनिट यहाँ पे ले ली, जो ये लेंथ है ये 1 यूनिट ले ली, और अब मैंने इसको, इसका कोई भी नाम रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ए नाम दे दिया, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने, ये जो मेरा ए पॉइंट था ये, ठीक है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया, अब विद द हेल्प ऑफ कंपास और विद द हेल्प ऑफ डी। आप कोई भी जो है यूज करो, कंपास से करना चाहते हो कंपास से करो, डी से करना चाहते हो डी से करो, बट यहाँ पे क्या है, आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का आपने एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओके। अब जितनी ये आपने लेंथ ली थी, ये आपका 1 यूनिट लेंथ था, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी 1 यूनिट लेंथ की एक आर्क लगाएंगे। मान लो सपोज करो ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है, तो अब आपके पास ओ ए और ए बी दोनों ही डिस्टेंस 1-1 यूनिट है। अब आप क्या करोगे, आप ओ और बी को ज्वाइन कर दो,
ओके अब देखो आपने राइट एंगल ट्रेंगल में एक जो आपका फॉर्मूला है जो पाइथागोरस जो आप सेवन्थ या एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो पाइथागोरस जो थ्योरम थी वो हमें क्या कहती है कि जब भी कभी बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि अपना बेस हमें तो यही चाहिए है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमें तो ओ बी ही चाहिए है, ठीक है। तो ओ बी की लेंथ हम बाय यूजिंग पाइथागोरस निकाल सकते हैं, तो बेस हमारा कितना है 1 यूनिट, ओके, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। तो हमें जो एच यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा √2। अब बात ये आएगी कि मैम जब भी हम ऐसा जब ऐसे सिचुएशन आती है, मान लो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तब तो आप ये कहते हो कि प्लस माइनस ना √2 लिखा करो। अभी आपने यहाँ पे एच की वैल्यू सीधा √2 क्यों लिख दी, प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों पहली बात तो क्या है कि ये जो आपका एच है ये एक हाइपोटेन्यूज यानी कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ प्लस माइनस यहाँ भी आएगा, बिल्कुल आएगा, बट हमने जो है नेगेटिव वाला लेना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला हमने इसलिए नहीं लेना क्योंकि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं ना, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो एच आपका क्या होगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो ये जो है ओबी जो लेंथ है ये कितनी आई आपकी √2। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने कंपास से इसको मेजर किया ओबी को, ठीक है, और इतने ही इतने पे और इस यहाँ पे इसको ओरिजिन मान के, हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए भाई, ठीक है ओबी लेंथ हमने दिखा दी √2 है, बट मुझे तो इस नंबर लाइन पे चाहिए है, इस रियल नंबर लाइन पे चाहिए है ना √2। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ओबी मैंने अपना कंपास ओबी जितना खोला और इसी ओ पे इसी को ओरिजिन मान के यहाँ पे मैंने आर्क लगा दी और ओ भी जितना हो करके यहाँ यहाँ से जो है मैंने कट कर दिया। अब जो मेरा ओ सी, ये ओ सी पॉइंट आया, ये ओ सी जो आया है ये ओ बी के इक्वल ही तो है, ये ओ सी हमारा ओ बी के इक्वल ही तो है, क्यों, क्योंकि जितना ओ बी था उतना ही हमने कंपास पे क्या करा, हमने मेजर किया इसको, इतना कंपास खोला और हमने क्या करा आर्क लगाई, तो ओ बी और ओ सी जो है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो अगर ये √2 है तो ये भी √2 है, तो C पॉइंट किसको लोकेट कर रहा है अब यहाँ पे √2 को। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे √2 को शो करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, जैसे आपकी बुक में क्या दिया है कि OB को आप रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसकी आर्क कैसे लगेगी, ऐसे देखो, अगर हम सपोज करो अगर हम पूरा सर्कल ड्रॉ करते तो ऐसे हो जाता ना, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो बस ये आपका जो सर्कल है ये कहाँ पे कट करे √2 पे यहाँ तक, क्योंकि ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ठीक है। अब ये मैं पूरा सर्कल ड्रॉ करती, ये सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाता पूरा, ठीक है, और हमें क्या था, ये हमारी ओ बी है और ये हमारा ओ सी आया है अभी, तो देखो ये रेडियस है, आप सबको पता है कि सारे क्या होंगी, ये सारी रेडियस ही है और रेडियस क्या होती है, इक्वली होती है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट आप ओ बी और ओ सी इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आर्क लगा सकते हो एज यू विश, ओके। तो हमारा क्या काम था, बस हमें √2 को लोकेट करना था नंबर लाइन पे, ये लोकेट कर दिया हमने, इस तरह से करना है। अब देखो ये तो सिर्फ √2 की बात हो गई, अगर हमें √2 के बाद √3 हो दे दें, √5 दे दें, √7 दे दें, 6 भी दे सकते हैं, √7 दे दें, √8 दे दें एंड √9 तो 3, जैसे √4 मैंने छोड़ा वो तो 2 होता है, ठीक है, 2 को तो हम नंबर लाइन पे दिखाई देंगे, ये रहा 2 हमारा, ठीक है। अब √10 दे दें एंड सो ऑन, कितने भी हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं किसी को भी दे सकते हैं। तो हमें अगर करना हो तो हमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड पता होना चाहिए कि हमें, मान लो डायरेक्ट हमें √2 ना दे करके हमें डायरेक्ट जो है ना √5 दे दें, √6 दे दें, √8 दे दें, ऐसे कुछ भी दे दें, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे आप सोचो आपको ना √m दिया है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको नंबर लाइन पे दिखाना है √m सपोज कर लिया, तो सबसे पहले जो है ना आपको √m-1 को नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप √m दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट √5 बोला गया है, ठीक है, आपको √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है, आप क्या करोगे, आप इससे पहले वाला m-1 उससे एक पहले वाला है ना, एक जो है उससे पहले वाला एक नंबर कौन सा होगा, 5 से पहले वाला नंबर कौन सा होगा, आपका 4 होगा, 4 का रूट क्या होता है, 1, ये 0, ये 1, ये 2, 4 का रूट हमें पता है क्या होता है, 2, तो ये 2,
ये नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया इसको, ओके। अब हमने क्या करना है कि रूट टू पे ही हमने क्या ड्रॉ करना है, वही सेम प्रोसीजर हमने इस पे टू पे, सॉरी टू पॉइंट मैंने इसको नाम दिया ए, मुझे ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बिल्कुल जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब मैंने क्या किया, अब मैंने वन यहाँ पे वन यूनिट का, जैसे ये वन यूनिट था ना, बिल्कुल वन यूनिट का हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई, इसको कट किया और अब इस ओ बी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो जो ये ओ बी होगी, अब देखो हमारा जो ओ ए था ये आपका कितना है, ये तो आपका टू है, टू यूनिट है, टू यूनिट्स है, और ये कितना है, ये आपका वन यूनिट है। तो मुझे ओ बी चाहिए है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ ए का स्क्वेयर प्लस में ए बी का स्क्वेयर। ओ ए स्क्वेयर मीन्स आपका टू का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, फोर, और ए बी मतलब वन का स्क्वेयर वन, तो यहाँ से हमारा ओ बी स्क्वेयर आ जाएगा फाइव, और हमें क्या चाहिए है ओ बी, ओ बी मतलब रूट फाइव। तो हमने रूट फाइव को, अब हमें पता चल गया यहाँ पे रूट फाइव है ये, मैंने ओ बी लेंथ मेजर करी, सिमिलरली हमने एक आर्क यहाँ पे लगा दी, जाके उसने कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो ये जो मेरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ओ सी जो है, ओ सी, ओ सी जो है रूट फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरह से अब कोई मुझे बोल दे आप ना रूट सिक्स करो, तो देखो मैंने रूट फाइव को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरा पूरा कितना है ओ सी रूट फाइव है, मुझे क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर जो हम लास्ट के टू क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, क्या कि मैंने सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि वन यूनिट का मैंने यहाँ पे ये मेरा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओ सी मेरा रूट फाइव है, अब मुझे यहाँ पे वन यूनिट लेंथ मेजर करनी है, ओके। वहाँ पे ये मैंने इसको कट कर दिया, आर्क लगाई यहाँ पे, अब मुझे ओडी को मिला देना है, मैं इसको डॉटेड लाइन में मिला रही हूँ, अब ओडी बताओ मुझे, अब ये ओसी जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका ओडी है, ओडी का स्क्वेयर, ओडी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल, ओसीडी, ओसीडी राइट एंगल ट्रायंगल के ओडी जो है हाइपोटेन्यूज है, तो ओडी का स्क्वेयर जो है आपका ओसी का स्क्वेयर प्लस में सीडी का स्क्वेयर, है ना, बेस स्क्वेयर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वेयर, ओके। अब ओसी क्या है, ओसी आपका रूट फाइव है, तो रूट फाइव का स्क्वेयर प्लस में सीडी आपका वन है, वन का स्क्वेयर, यहाँ पे फाइव प्लस वन, तो सिमिलरली ओडी यहाँ पे ओडी स्क्वेयर आ जाएगा सिक्स, एंड ओडी आ जाएगा आपका रूट सिक्स, ओके। तो पहले मैंने रूट फाइव को नंबर लाइन पे दिखाया ना, तब मैंने रूट सिक्स को दिखाया, ओके। अब मुझे रूट सेवन दिखाना हो तो मेरे पास रूट सिक्स है, यहां तक क्या है रूट सिक्स है, अब मैं यहां पे परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे ये आपका रूट सिक्स हो गया, ठीक है, ओके। अभी देखो अभी बचा हुआ है ओ डी जो है आपका रूट सिक्स है, अभी ओ डी को मेजर किया हमने कंपास से, फिर यहां पे आर्क लगाएंगे वो नंबर लाइन पे आगे काटेगी, मान लो यहाँ पे E पॉइंट पे काटा तो OE जो, ठीक है, अब OD और OE दोनों ही इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, रूट सिक्स के इक्वल हैं, क्योंकि हमने मेजर किया है OD जितना ही OE है, ठीक है, वो हमने मेजर किया है, और हमने क्या दिखाया कि OD और OE इक्वल हैं और कितने हैं, रूट सिक्स के। अब मुझे रूट सेवन को करना होगा, तो मैं ये लेंथ मेजर करूंगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम ये तो ठीक है, आपने पहले रूट फाइव को किया, रूट सिक्स को किया, रूट सेवन को किया, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें डायरेक्ट रूट इलेवन को करना हो तो क्या हम रूट फाइव, फिर रूट सिक्स, फिर रूट सेवन, एट ऐसे करते जाएंगे और तब जाके हम रूट टेन को दिखाएंगे और तब जाके हमारा रूट इलेवन आएगा, क्या हम एक ही क्वेश्चन में पहले इतने सारे इरेशनल्स को दिखाएंगे जब जाके रूट इलेवन को दिखा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। देखो यहां से अगर डायरेक्ट आपको रूट इलेवन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि रूट इलेवन से पहले कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है नंबर, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो नाइन, क्या है नाइन, तो हम क्या करेंगे, हम रूट नाइन को नंबर लाइन पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ओके। जैसे हमने फाइव को किया था तो हमने उससे पहले वाला जो नंबर था, उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर था वो फोर था, तो हमने फोर को नंबर लाइन पे दिखाया। अब इसके बाद डायरेक्ट रूट इलेवन आ जाएगा हमारे पास, तो हम पहले उससे पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर चुनेंगे, कौन सा होगा वो, रूट नाइन, ठीक है, वो थ्री, उसको डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अब कोई मुझे बोले कि मैडम 18 आ जाए तो हम उससे पहले कौन सा 16, तो इस तरह से हम पहले ये देखेंगे कि जो नंबर हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे, उससे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर आएगा, दो तीन नंबर को छोड़ के आ सकता है, एकदम पहले भी आ सकता है, तो मतलब उससे पहले वाला हमें परफेक्ट स्क्वायर चूज करना है। तो यहां पे जैसे मुझे रूट 11 को दिखाना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने नंबर लाइन लिया
ठीक है, यहाँ पे मेरा जीरो है, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, मुझे पता है कि मुझे रूट इलेवन को दिखाना है, इससे पहले रूट इलेवन से पहले जो जस्ट पहले कौन आ जाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नाइन ही है, ठीक है ना। वैसे तो आपका फोर भी आ जाता है, ठीक है, वन भी आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो पहले आएंगे सारों में से, नहीं, जो सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले जो आपका आया है, जैसे ही हम इलेवन से इस साइड जाते हैं तो सबसे पहले तो नाइन की नाइन ही आता है, क्योंकि टेन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे आपका नाइन, तो नाइन का जो परफेक्ट रूट होगा वो थ्री होगा, तो वन टू एंड थ्री, यहाँ पे आपका वन टू एंड थ्री पॉइंट जो है, ओके। तो ये यहाँ से आपने ये थ्री यूनिट जो लेंथ है, ये आपकी थ्री यूनिट्स लेंथ है, आपने ये मेजर की। अब आपको इस को मैंने ए कंसीडर किया, इस ए पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सिमिलरली पैटर्न वही फॉलो करना है जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, वन यूनिट, वन यूनिट तो इतना ही होता है, तो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे अपना आर्क लगाया वन यूनिट। ये जो मेरी लेंथ है ये कितनी हो गई, ये वन यूनिट, ओके। अब इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया, अब मैंने ओ और बी को ज्वाइन कर देना है। ओहो, तो ओ और बी को मैंने ज्वाइन किया, तो जो मेरा ओ बी है, ओ बी, अभी देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वेयर इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस में ए बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, थ्री यूनिट, थ्री का स्क्वेयर। ए बी कितना है आपके पास, ए बी है आपके पास वन, ओके। तो ये आ जाएगा नाइन प्लस वन, तो ओ बी स्क्वेयर, तो ओ बी की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी रूट टेन, ओके। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट टेन को। तो अब हमने ओ बी को मेजर किया कंपास से और यहां पे आर्क लगा दी अपनी, ठीक है। और यहां पे जो आर्क है आपकी, मान लो ये यहां पे सी पॉइंट। अब ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी आपके इक्वल हैं, ठीक है, और किसके इक्वल हैं, रूट टेन के। तो सी पॉइंट हमारा रूट टेन को मेजर कर रहा है, ठीक है। अब हम रूट टेन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी, ओ सी जो है वो रूट टेन को कर रही है। मैंने बोला था पहले ही, जब भी कभी किसी नंबर को हमने नंबर लाइन पे दिखाना है, उससे पहले वाले को हम दिखाएंगे, रूट टेन को हमने दिखा दिया यहाँ पे। अब हमारा सी पॉइंट जो है रूट टेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे अब मैं ड्रॉ करूँगी परपेंडिकुलर, ठीक है। वन यूनिट मैंने यहाँ पे कट किया, और अब अगर मैं ओ डी, तो जब जो ये मेरा ओ डी आया है, ठीक है, ये ओ डी जो है, ओ डी ये अब मेरा रूट टेन आ चुका, रूट इलेवन आ चुका है। आप बेसिक से पाइथागोरस अप्लाई करो, क्योंकि आपको पता है ओ डी का स्क्वेयर यहाँ पे पाइथागोरस के हेल्प से क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा आपका ओ सी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर। तो ओ डी स्क्वेयर ओ सी हो जाएगा आपका रूट टेन, और सी डी हो जाएगा आपका वन। तो ये आपका 10 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज OD इक्वल टू आपका रूट 11, ठीक है, ये आपका रूट 11 आ जाएगा। तो हमने अब OD को मेजर किया, और इतना ही हमने कहाँ पे कट किया, इतने ही डिस्टेंस पे हमने E पॉइंट पे OE, OD और OE जो हैं आपकी डिस्टेंसेस, वो जो लेंथ है OD और OE वो सेम है, और वो कितने हैं, रूट 11। तो इस तरह से हमने रूट 11 को भी नंबर लाइन पे दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है दिखाते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखनी है बातें, पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें जो भी नंबर नंबर लाइन पे दिखाना है, जो भी, उससे पहले वाला m अगर मुझे दिखाना है नंबर लाइन पे, तो m माइनस वन को पहले दिखाएंगे, ठीक है। और वो m माइनस वन जब हम दिखाएंगे, तो पहले हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखा रहे हो, उससे पहले, जस्ट पहले, कौन सा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, ठीक है। क्योंकि जो वो परफेक्ट स्क्वायर उससे पहले आएगा, हम डायरेक्ट वो वाला पॉइंट जो है रियल लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे अभी यहां पे 9 आया, रूट 9 हम इक्वल टू 3, हमें पता है नंबर लाइन पे 3 हम बिना किसी उसके दिखा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस तरह से हम ये करेंगे क्वेश्चंस, तो हमें इजी हो जाएंगे, ये बातें हम ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो डिजिट्स होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो फिर हम उनकी वैल्यूज़ जो हैं कैसे निकाल सकते हैं, भाई जो हमें परफेक्ट, मतलब कोई एक डिफाइंड फॉर्म में तो है ही नहीं वो, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ जो हैं हम अप्रोक्स, अब जैसे कोई मुझे बोले मैम रूट टू की तो 1.414 ही होती है वैल्यू, क्योंकि अब तक हम यही देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। रूट थ्री की वैल्यू तो 1.73 ऐसे लिख देते हैं हम,
तो यही देखते आ रहे हैं हम तो ये तो आप कह रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट हम जब कभी रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू कहीं पे यूज़ करते हैं, किसी कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें तो वहाँ पे क्या मिलेगी, कोई ना कोई अप्रोक्स वैल्यू लेके हमें अप्रोक्स रिजल्ट निकालना ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और हम इस तरह से लेके जाएंगे और उसको वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ करेंगे, तो अप्रोक्स वैल्यू तो हमें देनी पड़ेगी ना कुछ तो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से नहीं आ रही, हम जहाँ भी ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोक्सी वैल्यू आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पाई की लेते हो ऐसे तो 22/7, और पाई जो होता है ना पाई वो एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को आप 22/7 कैसे लिख सकते हो, ये तो आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई, इसका मतलब ये तो इरेशनल है ना, सॉरी रैशनल है, ये आपकी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो पी क्या था रैशनल नंबर की डेफिनेशन, भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 22/7 जो है आपकी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो सारी फुलफिल कर रही है, इट मीन्स ये तो रैशनल है, बट आप इसके पाई की वैल्यू लेते हो और आप कह रहे हो कि पाई इरेशनल है, तो रीजन वही है ना बच्चों, ये क्या है, ये इक्वल वैल्यू है ही नहीं, ये तो अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी अप्रोक्स ही ली जा रही है, तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं जब कैलकुलेशन में यूज होते हैं तो हम उनकी अप्रोक्स वैल्यू ही लेते हैं, जो उनके क्लॉज जो सबसे जो उनके क्लोजेस्ट रैशनल होगा उसकी वैल्यू अप्रोक्स में हम वहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अप्रोक्स वैल्यूज जो होती है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ओके, अब बात आती है कि हमने इससे पहले वाले जो उसमें जैसे जो 1.1 एक्सरसाइज करी थी तो वहाँ पे क्या था कि हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में के, मतलब कोई भी मान लो दो, आप सबको पता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर मान लो 3/5 है और यहाँ पे 6/5 है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स होते हैं, सिमिलरली इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल भी होते हैं। ठीक है ना, तो अब बात यह है कि रैशनल नंबर्स तो हमने निकालने सीखे, अगर हमें दो नंबर्स मान लो कोई भी है m और n, मुझे कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हैं कि m और n बोथ आर रैशनल और हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं, मुझे कोई एक इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, रैशनल तो आप निकाल दोगे इजीली, आप क्या करोगे, मान लो m और n आपको दिए, मान लो मुझे अभी इसके बीच के रैशनल पूछे तो m प्लस n बाई टू करके मैं एक इरेशनल नंबर निकाल रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ। अब मुझे तो इन दोनों ही नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो आपको क्या करना है m करोगे और यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 3/5 के बीच का आपको इरेशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे 3/5 × 6/5 और इसका अंडर रूट जब आप लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और नीचे क्या आ जाएगा 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे, और अगर आप 25 का रूट करना चाहो सोल्व तो वो भी, तो ये आएगा आपका इरेशनल ही, यहाँ से जो नंबर आएगा आपका एक इरेशनल नंबर आएगा, वो कैसा इरेशनल होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे रैशनल निकाल सकते थे सिमिलरली हम इरेशनल भी निकाल सकते हैं। ओके, okay?